और लटेरी के मुरबास थाना परिसर में एसडीएम निकिता तिवारी ने सभी धर्म के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर और खुले में मीट की दुकानों को लेकर बनाए गए नियमों की जानकारियां दी। इसके साथ ही सभी से सहयोग करने की अपील भी की गई है। इसके अलावा अवैध रूप से खुले में मीट की दुकान संचालित करने वाले लोगों को भी समझाइश दी गई। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार और लाइसेंसधारी लोग ही मीट की दुकान संचालित कर सकते हैं। वहीं एसडीओपी अजय मिश्रानी भी डीजे वालों को परमिशन लेकर ही किसी भी आयोजन में डीजे का इस्तेमाल करने के लिए अवगत करवाया। आज यहाँ पर थाना मुरवास में एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी तहसीलदार तथा मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ और हमने यहाँ पर सभी जो धर्म से संबंधित धर्मगुरु हैं और अन्य लोग हैं, इनको बुला करके जो शासन के अभी नवीन निर्देश आए हैं उनके संबंध में मैसेज ये देंगे कि किसी भी तरह का मुर्गा मछली खुले में ना बिके, उसके लिए माकूल इंतजाम हो और माइक वगैरह के लिए कहा गया है कि उसकी आवाज़ जितनी भी सरकार ने तय की है उतनी आवाज़ मस्जिदों की कराएंगे। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मुर्गा मुर्गियों की दुकान है पास में रोड पर लगी हुई हैं, इनसे लोगों को शासन के साथ निर्देश हैं कि इन्हें आड़ में रखा जाए, एकदम बाहर ना लाया जाए और इनकी अलग व्यवस्था की जाए, इनका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दिए जाएँ। और दूसरा, ये तेज साउंड बजाते हैं, डीजे वगैरह ये माइक लगे रहते हैं जगह जगह, इन ध्वनि का उसका नियंत्रण किया जाए। प्रशासन के बहुत अच्छे निर्देश हैं और उन पर पब्लिक को कार्रवाई मतलब अपने अनुसरण करना चाहिए इस चीज़ का।